तो वेरी वार्म वेलकम टू द बून ऑफ मशीन लर्निंग। और आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ पुराने टॉपिक्स के बारे में जो छूट गए थे, जिसके अंदर कुछ मेजर टॉपिक्स है, जैसे अंडर फिटिंग हो गया, ओवर फिटिंग हो गया, बेस्ट फिट क्या चीज़ होती है। इस चीज़ को हम इन स्टोरीज के माध्यम से समझेंगे, मज़ेदार तरीके से इस चीज़ को लेकर चलेंगे। और इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग इसका मेन सेंट्रिसिटी टॉपिक रहेगा आज के इस लेक्चर का। फिर बायस और वेरियंस के बारे में हम बात करेंगे, बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ के बारे में बात करेंगे, कब बायस ज़्यादा होता है, कब वेरियंस ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो तैयार हो जाओ फॉर द फोर्थ एपिसोड ऑफ बून ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर हम वापस आ चुके हैं हमारी फेवरेट जगह के ऊपर, जो कि है मेरा वेबसाइट या वेब ब्राउजर। क्या यार बेइज्जती करा रहा है, वेब ब्राउजर पे हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, आज हम पढ़ने वाले बून ऑफ मशीन लर्निंग। तो हम शुरुआत करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था, तो उसके आगे कुछ कंटिन्यूशन में टॉपिक्स थे। जैसे अगर मैं बात करूँ यूनिवेरियंस ऑफ डिसीजन ट्री, अब ये जो लिखा हुआ है मेरे को पता है जो पढ़ने वाले बंदे होंगे वो इसको पढ़ेंगे, बट जिन लोग मेरी तरह है जो बिल्कुल आलसी है तो वो क्या करेंगे, वो आएंगे एक्स्ट्रा नोट्स पे, ठीक है। और एक्स्ट्रा नोट्स पे आके हम चीज़ को समझेंगे। अब मैं चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, मेरी आत्मा से आप बात करिए, मैं जा रहा हूँ और मैं आपको मिलता हूँ 5-10 मिनट बाद, जब मैं आपको एक टॉपिक समझा दूँगा वापस मिल जाऊँगा, तो बात करिए मेरी आत्मा से। तो अब हम बात करने वाले हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसके अंदर बेसिकली हम इसमें क्या बात करने वाले थे, जो हमारा मेन टॉपिक था वो था डिसीजन ट्रीज के ऊपर। तो यहाँ पर यूनिवेरियंस और मल्टीवेरियंस डिसीजन ट्री जो होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यूनिवेरियंस डिसीजन ट्री क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भाई, यूनिवेरियंस डिसीजन ट्री हम तब पढ़ते हैं जब हमारा हर ट्री केवल एक इनपुट या एक डायमेंशन फीचर के ऊपर क्या करे, बने। अगर मैं ट्री मेरा एक इनपुट को यूज करके बना रहा हूँ, उसके एक इनपुट फीचर को, डायमेंशन को यूज करके बना रहा हूँ, तो ये समझ सकते हो उस ट्री को मैं बोलूंगा यूनिवेरिएंट डिसीजन ट्री, क्योंकि मेरा जो वो ट्री है वो क्या यूज कर रहा है, वो एक इनपुट फीचर यूज कर रहा है, एक इनपुट डायमेंशन यूज कर रहा है, समझ गए। इसलिए यूनी मतलब एक, समझ गए। अब यहाँ पर क्या होती है डिसीजन नोट्स के अंदर, जो अगर डिसीजन नोट्स के अंदर, अब डिसीजन नोट्स आप बनाते थे ना, जो अपन बोलते थे कि भाई क्या एज ग्रेटर देन 30 है तो आगे येस और नो में जाते थे, ब्रांचेस बनती थी, तो इसको अपन बोलते हैं डिसीजन नोड्स। और जो सबसे बड़ी डिसीजन नोड होती है, जिसके ऊपर आगे पूरा स्टार्टिंग नोड जो होती है, जिसके ऊपर से सारे सब नोड्स बनते हैं, ठीक है, तो वो जो नोड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जो अपनी रूट नोड बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, आगे काम आएगा जब अपन डिसीजन ट्री को यहीं पर ही एकदम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो देखो यूनिवेरिएंट डिसीजन ट्री हमने क्या देखा कि यहाँ पर केवल एक इनपुट डायमेंशन और फीचर का यूज़ किया गया है। और डिसीजन नोड्स में अगर दो तरीके के फीचर हो सकते हैं, डिसीजन नोड्स में एक डिस्क्रीट फीचर हो सकता है और एक न्यूमेरिकल फीचर हो सकता है। अगर मैं बात करूँ डिस्क्रीट फीचर की, तो डिस्क्रीट फीचर के अंदर जो टेस्टिंग होगी वो कैसे होगी, उस फीचर की वैल्यू चेक करिए, और वन ब्रांच फॉर ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ फीचर, यानी ये मान सकते हो कि हर एक पॉसिबल फीचर के लिए एक पर्टिकुलर ब्रांच डिवोटेड होगी। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल डिस्क्रीट फीचर है, तो यहाँ देखो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला, टेस्टिंग कैसे होगी, बाय चेकिंग द वैल्यू ऑफ द फीचर, यानी फीचर की वैल्यू चेक करके आप टेस्टिंग करोगे। और ब्रांच क्या बनेगी, कितनी ब्रांचेस बनेगी, तो वो ब्रांचेस बनेगी किसके बेसिस पे, फॉर ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ फीचर, यानी हर एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ फीचर के लिए एक ब्रांच बनेगी, समझ गए। जैसे अगर मैं बात करूँ, सपोज कोई एक चीज़ ले लेते हैं कि अगर इसका कलर ब्लू है, ठीक है, अगर इसका कलर ब्लू है, अब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, येस और नो। अगर ब्लू है तो डांस करो, और अगर ब्लू नहीं है तो नॉट डांस, डांस मत करो। तो यहाँ पर चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पर ये मैंने क्या बोला, तो यहाँ पर ये जो है ये मेरी डिसीजन नोड है, जहाँ पर क्या हो रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है, और इसके बेसिस पे दो सब ब्रांचेज इसकी बन रही है। देखो हर पॉसिबल वैल्यू या तो होगा या नहीं होगा, मैंने तो ना बोला येस के अंदर दो जगह जा सकता है, येस में एक ब्रांच बन रही है और नो में भी एक ही ब्रांच बन रही है, तो ये किस में आ जाता है, तुम्हारा डिस्क्रीट फीचर, जिसमें मैंने क्या एक एग्जांपल दिया कि उस कलर उसका ब्लू है या नहीं है, तो बाय चेकिंग द वैल्यू ऑफ फीचर। तो इसमें क्या हो रहा है, टेस्टिंग के अंदर अपन क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे फीचर की, जो कि अपन यहाँ पर कर रहे हैं टेस्टिंग में, वैल्यू चेक फीचर की,
ठीक है, तो डिस्क्रीट फीचर में अपन करके आ रहे हैं डिसीजन ट्री के। यहाँ पर अगर डिसीजन नोट्स के अंदर एक बार डिस्क्रीट फीचर आ जाते हैं तो टेस्टिंग में मैं क्या करूँगा, वैल्यू चेक करूँगा उस फीचर की, और मैं ये चेक करूँगा कि वन ब्रांच हर पॉसिबल वैल्यू उस फीचर के हर पॉसिबल वैल्यू के लिए एक ब्रांच बन जाए। तो ये अपनी डिस्क्रीट फीचर में आ गई। न्यूमेरिकल फीचर में क्या होना चाहिए, अब टेस्टिंग इफ द वैल्यू इज लार्जर देन थ्रेशोल्ड और नॉट, समझ गए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ एज, थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम, जैसे अगर मैं एज दे देता हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन, ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन 80, अब इसके भी दो बनेंगे येस और नो। अगर ग्रेटर देन 80 है तो डांस करो, नहीं है तो मत नाचो। तो यहां पर अब न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या चेक कर रहे हैं, इफ द वैल्यू इज लार्जर देन थ्रेशोल्ड और नॉट। तो पहले ऊपर डिस्क्रीट फीचर में अपन ने टेस्टिंग किस तरीके से की थी, हमने वैल्यू चेक करी थी फीचर की, और यहां पर न्यूमेरिकल फीचर में हम टेस्टिंग किस तरीके से कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड को यूज करके। इफ वैल्यू इज लार्जर देन थ्रेशोल्ड, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। यहां पर दो ब्रांचेस बनती है फॉर येस और नो में, या एक ब्रांच बनती है फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ फीचर, समझ गए। यहाँ येस और नो के लिए बन रही है, और यहाँ पर एक ब्रांच बनेगी फॉर ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ फीचर, समझ गए। तो दोनों तरीके के आपने देख लिए। अब चीजें मिक्स मत करने लग जाना यहाँ पर, चीजें अगर मिक्स वगैरह करोगे तो सब कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी तक आपको जो याद है वो क्या है, वो मैं आपको वापस बता देता हूँ। पहला, यूनिवेरिएंट डिसीजन ट्री के अंदर आप एक इनपुट फीचर और डायमेंशन पर फोकस करते हो, वहीं पर ही यहाँ पर जो डिसीजन नोड्स होते हैं उसमें अगर डिस्क्रीट फीचर होते हैं तो टेस्टिंग किस तरीके से की जाएगी, आप ये चेक करोगे कि भाई उस फीचर की वैल्यू क्या है, चेकिंग द वैल्यू ऑफ फीचर्स आप टेस्टिंग करोगे। न्यूमेरिकल फीचर की टेस्टिंग किस तरीके से की जाएगी, थ्रेशोल्ड को यूज करके, ठीक है, इफ वैल्यू इज लार्जर देन थ्रेशोल्ड तो। और यहाँ पर जो ऊपर ब्रांचेस होगी, वन ब्रांच बनेगी फॉर ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ फीचर, और यहाँ पर दो ब्रांचेस बनेगी येस और नो में। यहाँ पर डिसीजन नोड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये देखो अब हम बात करते हैं, ये नहीं, ये है एक्चुअली टाइटल, वो है मल्टीवेरिएट डिसीजन ट्री। मल्टीवेरिएट डिसीजन ट्री में आप यहाँ जैसे अपन एक इनपुट डायमेंशन फीचर ले रहे थे, यहाँ आप एक से ज़्यादा ले सकते हो या सारे इनपुट डायमेंशन फीचर को कंसिडर कर सकते हो। इससे जो मॉडल बनता है वो सबसे पावरफुल मॉडल बनता है, ये चीज़ एक तो दिमाग में रख लो, इससे जो मॉडल बनेगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉडल बनेगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये एक ग्राफ है, ठीक है, इस तरफ स्क्वायर वैल्यूज है, इस तरफ ये सारी स्क्वायर है, यहाँ पर सर्कल है, तो ये जो लाइन है, ठीक है, अब अगर मैं इसका डिसीजन ट्री बनाना चाहूँ, एक मल्टीवेरिएट डिसीजन ट्री किस तरीके से बनेगा, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है, सपोज ये है W1X1 W2X2 प्लस W3X, अभी मैं मान रहा हूँ तीन तक ये और तीन ही वेट है मेरे पास। अब अगर ये जीरो से क्या है, यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है, अगर ये जीरो से बड़ा है तो इस तरफ मूव हो रहा है, जीरो से छोटा है तो इस तरफ हो रहा है। तो बस मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी अंदर, देखो ये देखो इस जगह पे मैंने बोला कि अगर इसका जो सम है वो जीरो से बड़ा है तो येस और नो बन गया। अगर जीरो से बड़ा हो गया तो वो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर जीरो से छोटा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, मेरा सर्कल हो जाएगा। तो वही खेल हो रहा है यहाँ मल्टीवेरिएट डिसीजन ट्री में, यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हियर वी आर कंसिडरिंग मोर देन वन इनपुट डायमेंशंस और फीचर्स, और ये सबसे पावरफुल है। और यहाँ पर मैंने आपको इक्वेशन बना के भी बता दिया उस ग्राफ को यूज करके, कि अगर इसकी लाइन की इक्वेशन अगर मैं ये मानता हूँ, तो अगर जीरो से ज़्यादा वैल्यू बड़ी है तो इस तरफ है, और जीरो से कम वैल्यू है तो इस तरफ है। तो इस तरीके से आपका मल्टीवेरिएट काम करता है। हियर डिसीजन नोड इंप्लीमेंट मल्टीवेरिएट डिस्क्रिमिनेट फंक्शन, हियर डिसीजन नोड क्या इंप्लीमेंट करती है, मल्टीवेरिएट डिस्क्रिमिनेट फंक्शन को। ऊपर अपन ने क्या देखा था, ऊपर अपन ने डिसीजन नोड्स के बारे में ढंग से देखा, जिसमें दो तरीके के फीचर अपन ने देखे, डिस्क्रीट फीचर और न्यूमेरिकल फीचर। यहाँ पर मल्टीवेरिएट डिस्क्रिमिनेट फीचर जो फंक्शंस है उसको यूज किया जाता है डिसीजन नोड्स के अंदर। तो समझ गए ना किस तरीके से काम करना है, इधर अपन फीचर्स यूज कर रहे थे न्यूमेरिकल और डिस्क्रीट, यहाँ पर मल्टीवेरिएट डिस्क्रिमिनेट फीचर्स यूज फंक्शन यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो समझ गए दोनों के बीच में क्या चीज़ है भाई, इन दोनों के बीच में टेंशन मत लो, नोट्स अपलोड हो चुके हैं इसके, अभी जब वीडियो जैसे ही आप पूरी देखोगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिख जाएंगे, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए रख सकते हो अपने लिए। तो ये यहाँ पर सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर अपने दो पढ़ लिया, यूनिवेरियंस जिसमें अपने क्या देखा कि हर जो ट्री है वो एक इनपुट डायमेंशन और फीचर को यूज कर रहा है, और यहाँ जो डिसीजन नोट्स है उसमें अगर डिस्क्रीट फीचर है तो टेस्टिंग कैसे होगी उस फीचर की वैल्यू को चेक करने के साथ, न्यूमेरिकल फीचर है तो उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, थ्रेशोल्ड से चेक करेंगे, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड लेसर देन थ्रेशोल्ड उस पर बातचीत होगी, डिस्क्रीट फीचर के अंदर
जो एक ब्रांच बनी जाएगी हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ फीचर के लिए, यहाँ पर दो ब्रांचेस बनेगी येस और नो के लिए, समझ गए? मल्टीवेरिएट के अंदर मैंने कब बोला, यहाँ मैंने बोला कि जैसे अपन ऊपर वन इनपुट फंक्शन ले रहे थे, यहाँ अपन एक से ज्यादा इनपुट फंक्शन लेंगे। ये बहुत ज्यादा पावरफुल मॉडल है, ठीक है? और यहाँ पर जैसे आप यहाँ देख सको, मैंने लाइन की इक्वेशन लेके आपको मैंने बताया किस तरीके से करना है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर येस और नो दो केसेस बन जाएंगे, अगर येस है तो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर नो है तो सर्कल चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये दोनों समझ में आ गए हैं, अब मल्टीवेरिएट और यूनिवेरिएट डिसीजन ट्रीज। तो अब अगर ये टॉपिक आपको क्लियर है तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा भी वापस आने का टाइम हो गया। तो बहुत अच्छा, आपने अगर ये टॉपिक समझ लिया है तो ये बहुत मज़ेदार बात है, बिकॉज ये दो टॉपिक सबसे ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है, और इस टॉपिक को जिसको समझ में आ गया समझ लो मशीन लर्निंग में बंदे का दिमाग ऑलरेडी स्केल कर रहा है। तो ठीक है, अब अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग। ठीक है, क्या होता है ओवर फिटिंग, क्या होता है अंडर फिटिंग, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका सब कुछ हो चुका है, अब अपन आते हैं ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग के ऊपर क्या चीज़ है ये। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो इसी ऊपर है कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होता है। अब मैं आपको एक एक स्टोरी से माध्यम से दोनों एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है? जैसे सपोज ओवर फिटिंग मतलब क्या होता है कि अगर एक बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ा देता है ना, भाई अपन लोग तो लास्ट मोमेंट पर पढ़ने वाले लोग हैं, मैं भी एग्जाम में लास्ट मोमेंट पर पढ़ता हूँ, सब लास्ट मोमेंट पर पढ़ते हैं। कुछ कुछ बच्चे क्या होता है जो इतना डिटेल में पढ़ लेते हैं, इतना डिटेल में पढ़ लेते हैं, इतना डीप में चले जाते हैं कि वो खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाता है कि उसने क्या पढ़ा। दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते, वो बोलते हैं यार ठीक है जितना याद है उतना चला लेंगे, ठीक है? वो भी होते हैं। और कुछ होते हैं जो एवरेज होते हैं, मतलब जो अपने ही तरह होते हैं, ठीक है? जो कि क्या करते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ कुछ पढ़ लेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, एग्जाम रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है एकदम परफेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा तुम पढ़ना छोड़ दो, ठीक है? जो बेसिक बेसिक एग्जाम रिलेटेड चीज़ें पढ़ ली, प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, यानी इन दोनों के बीच में, या तो बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, बेस्ट फिट हो जाता है। तो ओवर फिटिंग और कुछ भी नहीं है गाइज, ओवर फिटिंग और कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी मॉडल को बहुत ज़्यादा फीचर्स आपने दे दिए, बहुत ज़्यादा फीचर्स दे दिए, अति गर्दी फीचर्स की, ठीक है? तो उसकी वजह से जो आपको गलत आंसर दे रहा है उसको आप क्या बोलोगे, ओवर फिटिंग, यानी आपने एक्सेसिव फीचर लोड दे दिया उसको। दूसरी तरफ अंडर फिटिंग में क्या है, अंडर फिटिंग में क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा कम फीचर दिए हैं, ठीक है? आपने उसको बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया, आपको थोड़ा और उसको फीचर्स देने की ज़रूरत थी बट वो आपने दिया नहीं, ये आपका अंडर फिटिंग होता है। तो आप है ही हो ये चीज़ समझ चुके होगे, ठीक है? अगर इसका मैं मेन एग्जांपल लूँ तो मैं एक लेता हूँ कार्ड का एग्जांपल। जैसे सपोज ये एक कार्ड है, ठीक है? ये कार्ड है, मैंने एक मशीन को क्या बताया कि भाई जो रेक्टेंगल दिखे, ठीक है, जिस पे ग्रीट लिखा हुआ हो, इस पे ग्रीट लिखा हुआ हो, जो पेपर से बना हुआ हो, ठीक है, और मैंने उसको क्या बोल दिया, जिसकी लेंथ ज्यादा से ज्यादा कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो, ठीक है? उसको आप क्या बोलोगे, कार्ड बोलोगे। अब क्या हुआ, ये जो आपने इतने सारे इसको फीचर्स दे दिए, जिसकी वजह से सपोज इसको तो वो कह देगा कि हाँ ठीक है ये है, अगर मैं बड़ा कार्ड लेके आ गया तो है तो रेक्टेंगली लिखा हुआ भी यहाँ पर ग्रीट है, ठीक है? लेकिन क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हुआ, ये इसको बोलेगा ये कार्ड नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो ये मान लेगा बट यहाँ फेल हो जाएगा मॉडल। तो ये एक ओवर फिटिंग का एक एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा सा, जिसमें क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव लोड दे रहे हैं भाई फीचर को, हमने एक्सेसिव लोड दे दिया है फीचर को, और वो एक्सेसिव लोड फीचर को देने के कारण ही आज ये परिणाम हुआ है, समझ गए? ये आपका ओवर फिटिंग होता है। अब अगर मैं बात करूँ अंडर फिटिंग की दूसरी तरफ, तो अंडर फिटिंग में मैंने क्या बोला उसको, मैंने ये फीचर हटा दिए सारे, मैंने उसको बोला जो रेक्टेंगल है और पेपर का बना हुआ है, जो रेक्टेंगल है और पेपर का बना हुआ है, मैंने बोला जो रेक्टेंगल है और पेपर का बना हुआ है। अब क्या होगा, अगर मैं उसके सामने केवल खाली पेपर भी लेके आ जाऊँगा तो भी उसको क्या बोल देगा वो, कि हाँ ये भी एक कार्ड है, बट नहीं है, ये अंडर फिटिंग है। मतलब उसको इतने कम फीचर दे रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहा चीज़ को, ठीक है? तो आप आई हो आप समझ गए होंगे अंडर फिटिंग क्या होता है और जो अपना ओवर फिटिंग है वो क्या चीज़ है। तो अब अपन इस कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए मेरे को वापस जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 आई एम गॉन। सो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अब ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के बारे में। तो देखो ओवर फिटिंग क्या चीज़ है, इट अकर्स व्हेन योर मॉडल इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर डेटा, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बता दिया। अंडर फिटिंग अकर्स व्हेन मॉडल इज टू सिंपल फॉर डेटा, बेचारा छोटा बाबू बहुत सिंपल है, उसको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है?
ओवरफिटिंग, टू फिक्स द ओवरफिटिंग, ठीक है, अगर आपको ओवरफिटिंग को फिक्स करना है तो ये उसके कुछ तरीके हैं, ठीक है, वो अभी अपन बात करेंगे. हियर एक्सेसिव फीचर्स आर प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑफ मॉडल, ट्रेनिंग करते समय एक्सेसिव फीचर दे दिए. दूसरी तरफ अंडर फिटिंग में आपने क्या किया, वैन लो या लेस फीचर्स आर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ मॉडल, ठीक है. अब ये कुछ तरीके हैं जिससे आप ओवरफिटिंग को फाइट आउट कर सकते हो. पहला, टू फिक्स द ओवरफिटिंग वी विल सिंप्लीफाई द मॉडल, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, मैंने बहुत ज्यादा फीचर्स दे दिए, उसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मोर रेगुलेशन लाएंगे उसके अंदर और स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ फीचर्स को यूज करेंगे, ठीक है, और मोर डाटा कैन हेल्प. अब यहां बोलोगे कि यार तूने ही तो बोला कि इसको इतने ज्यादा फीचर्स दे दिए. भाई फीचर और डेटा में फर्क करना सीखो. डेटा मतलब क्या है, डेटा से आप फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, मतलब अगर आपको प्रॉपर फीचर्स, इतने ज़्यादा आप फीचर्स यूज़ कर रहे हो उसके अंदर पहले से, तो आपको फीचर रेगुलेशन करने के लिए आपको पता तो लगेगा कि आप एक्चुअली किस चीज़ के लिए मॉडल बना रहे हो, और उसके लिए आपको और डेटा चाहिएगा जिससे आप मिनिमाइज़ कर सको फीचर्स को, तो इसीलिए ओवरफिटिंग हो गई. यहाँ पर अंडरफिटिंग में क्या चीज़ हो गई, हमने क्या किया है, एक मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल, ठीक है. कैसे आप कर सकते हो अंडर फिटिंग को फाइट, आपने बहुत सिंपल बनाया है तो उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना स्टार्ट करो. कॉम्प्लिकेट कैसे करोगे, उसको थोड़ा और ज़्यादा फीचर्स दोगे, ठीक है. रेगुलेशन आपको इधर क्या करनी है, आप क्या करोगे, थोड़ा लेस रेगुलेशन ट्राई करोगे उस मॉडल को करने की, और लार्जर क्वांटिटी ऑफ फीचर्स उसको दोगे, और मोर डेटा अगर उसको दोगे तो कांट हेल्प, ज़्यादा डेटा उसके लिए मदद नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो जो मैंने आपको वहाँ पर चीज़ बताई, मोर डेटा कैन हेल्प, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सेसिव फीचर था, यहाँ पर तो बिल्कुल एक दो फीचर इसने यूज़ किया है, समझ रहे हो, तो यहाँ उसको कुछ हटाना नहीं है और जोड़ना है, इसीलिए. तो आप समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है. देखो ओवरफिटिंग का ग्राफ कैसा है, इसने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा इस लाइन ने, सब कवर कर दिया, केवल एक दो पॉइंट, एक लाइन, एक पॉइंट छोड़ेंगे, वो भी लाइन से ज़्यादा दूर नहीं है. और यहाँ पर क्या हुआ, देखो इसको मतलब ही नहीं है इस लाइन को, क्या क्या पॉइंट जा रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, अपनी मस्ती में जा रहा है पता नहीं कहीं, ठीक है. तो ये अंडर फिटिंग हो गया. बेस्ट फिट इन दोनों का बीच का केस है, जिसका हमें भी अभी मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा. तो आई थिंक अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग अब आपको समझ में आ चुकी होगी. यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिससे आप ओवर फिटिंग को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है. तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था. तो अब आप अगर कुछ मेथड्स के बारे में अपन बात करें जिससे हमें ये अवॉइड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो ओवरफिटिंग को अवॉइड, वो अपन देखते हैं. तो देखो वापस आ गया मैं. तो ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए आप क्या चीज़ करते हो, ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए भाई आपको फीचर्स को कम करना है. अब लोगों ने कितना दिमाग लगाया, आप खुद सोचो, इसमें आप क्या कर रहे हो, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को यूज़ करके आपने उसको छोटे छोटे पार्टीशन में फुला क्लासीफाई कर दिया. अब सपोज आपने ट्री बना दिया और उसमें ओवरफिटिंग हो गई, अब आप उसको रिड्यूस करना है. तो आप पहला जो सबसे प्यारा ऑप्शन है वो प्रूनिंग. प्रूनिंग मतलब काटना, प्रूनिंग मतलब काटना, सॉरी मैंने यहाँ कुछ और मत सोचो तुम लोग. प्रूनिंग, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ ट्री, इसने ये क्या रिड्यूस करेगा, साइज ऑफ ट्री, सच डैट मॉडल बिकम जनरलाइज, जिससे मॉडल क्या हो सके, जनरलाइज हो सके और ज़्यादा. तो प्रूनिंग जनरलाइजेशन ही अपना मेन मकसद है, जिसमें अपन क्या कर सके भाई, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. ओवरफिटिंग होती क्या, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेसिव फीचर है, तो मतलब बेकार की चीज़ों को हटाना पड़ेगा, तो प्रूनिंग करनी पड़ेगी. तो अब यहाँ पर प्रूनिंग करेंगे तो हमारा मॉडल और भी ज़्यादा जनरलाइज हो जाएगा, मतलब और भी ज़्यादा समझदार. यानी पहले क्या हुआ था, उसको बहुत अधिक ही लेवल पे लेके चले गए जिसकी ज़रूरत नहीं थी, उसको जनरलाइज लाने के लिए, कि नॉर्मल चीज़ों पे काम आ जाए, उसके लिए करने के लिए हमने प्रूनिंग को बेसिकली. अब कैसे करेंगे, तो दो तरीके हैं, पोस्ट प्रूनिंग और प्री प्रूनिंग. प्री प्रूनिंग मतलब क्या है, प्री प्रूनिंग मतलब क्या है कि जब तक वो परफेक्शन तक नहीं पहुँचे, ठीक है, मतलब क्या करना है आपको, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द ट्री बिफोर इट रीचेज टू परफेक्शन, ठीक है. आप ग्रोथ ही रोक दो बिफोर इट रीचेज टू, मतलब पूरा बैठने से पहले ही आप उसको काटना स्टार्ट कर दो, पूरा वो ट्री बने उससे पहले आप उसको काटना स्टार्ट कर दो. पोस्ट प्रूनिंग मतलब क्या है, एक बार पूरा बन जाए फिर आप क्या करो, पोस्ट प्रून कर दो सम ब्रांचेस को. एक बार पूरा ट्री बन गया तो आप प्रूनिंग कर दो उसकी, पोस्ट प्रूनिंग कर दो. तो अभी तक अपन ने क्या था, प्रूनिंग मतलब जो अननेसेसरी चीज़ें उसको काटना और कुछ अननेसेसरी फीचर्स को रिमूव करना, कुछ ब्रांचेस को रिमूव करना, इसका मकसद है. और ये कैसे करते हैं, अपन प्रूनिंग का यूज़ करके करते हैं. और दो तरीके की प्रूनिंग है, प्री प्रूनिंग और पोस्ट प्रूनिंग. प्री मतलब प्री मतलब क्या होता है, परफेक्शन पे जाने से पहले ही ट्री की ग्रोथ को आप काटना स्टार्ट कर दो. पोस्ट प्रूनिंग में आप क्या कर रहे हो, आप ट्री को पहले अलाउ करते हो कि भाई तू ग्रो हो जा, एक बार तू ग्रो हो गया तो मैं तेरे अंदर से कुछ ब्रांचेस अपना भी हटा दूंगा. तो ये आप क्या पोस्ट प्रूनिंग, समझ गए. इसमें हम थोड़ा ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को और जनरलाइज करने की, अंडरस्टैंडेबल. तो यही चीज़ आप कर रहे हो. अब आता है इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन ट्री. किसी भी डिसीजन ट्री का इवैल्यूएशन आप कैसे करते हो, तो करने के लिए इट इज़ डन टू वेरीफाई द वैलिडिटी एक्यूरेसी ट्रेनिंग रिजल्ट यूजिंग द हिस्टोरिकल डेटा.
यानी आप क्या करते हो, हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करके ट्राई करते हो वैलिडिटी, एक्यूरेसी, और जितनी भी हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करके आप ट्राई करते हो कि उस डिसीजन ट्री की जो भी एक्यूरेसी आ रही है, जो भी वैलिडेट कर रहा है चीज़ों, क्या वो एक्चुअल करेक्ट है या नहीं। एक तो हिस्टोरिकल डेटा वैलिडेशन का पॉइंट आ गया अगर डिसीजन ट्री का करना है तो। और क्या काम आता है, इट इज़ यूज टू क्लासीफाई और सेपरेट द सेट ऑफ डेटा हुज आउटकम इज ऑलरेडी नो टू यू। तो आप क्या कर सकते हो, या तो हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करो, या आप क्या कर सकते हो, जिस चीज़ों को डेटा का आंसर आपको पहले से पता है वो डेटा उसको दे दो। यानी आप दो ही ऑप्शन होते हैं भाई, या तो मेरे को जो चीज़ पता है वही मैं, देखो यार एक दोस्त है, आज मेरे को मेरे दोस्त को पता लगाना है कि इसको कितनी मशीन लर्निंग आती है, तो जो आंसर मेरे को पता है वो मैं उससे पूछूंगा। मैं उससे ये थोड़ा ना बोलूंगा कि यार ना तू वो ऐसी डेफिनेशन बोल जो मेरे को नहीं पता, तो फिर मैं उसको वैलिडेट कैसे करूंगा। तो मैं उसको ऐसी चीज़ बोलूंगा जो मेरे को पता है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, उसने मेरे को रिप्लाई दिया, मैंने मैच किया कि जो मेरे को नॉलेज है उसकी नॉलेज सेम है, सेम है, ओके, तो उसको आता है, ठीक है। और क्या तरीका है, और अपने पास हिस्टोरिकल डेटा दे दो, बिकॉज उसका आंसर अपन को पता होता है, तो उससे भी टेस्ट हो जाएगा। तो दो चीज़ें हो गई, यही है इवेल्यूएशन और डिसीजन ट्री, ठीक है। अब आ जाओ, ये जो मैंने अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग है कुछ यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर और डिटेल में चीज़ें लिखी है, बट जो मेन मेजोरिटी चीज़ें जिसके ऊपर आप ये सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही है, जो कोर क्रक्स है वो मैंने आपको बता दिया, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग। अब आप समझदार हो किस तरीके से आपको बड़ा लिखना है। देखो यहाँ पर जो डायग्राम है ना वो प्रॉपरली शो करता है ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को, और मैं 2 मिनट के लिए गायब होता हूँ। और यहाँ देखो ये डायग्राम, ये डायग्राम देखो, ये अंडर फिटिंग का डायग्राम है, देख सकते हो। तो इस लाइन को कोई कोई मतलब नहीं है, देखो यहाँ पर इसको इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, ये देखो इसको इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेटा पॉइंट्स गए तेल लेने हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस शीट में देखो ये क्या कर रहा है, ये केवल पॉइंट्स को कवर करने पे लगा हुआ है, ठीक है। और अब देखो बैलेंस शीट में वो पॉइंट को कवर करने तो लगा हुआ है, लेकिन इसने कुछ चीज़ें छोड़ी भी है देखो। लेकिन ये भाई साहब ओवर फिटिंग तो मतलब हैवी ड्राइवर है, समझ लो भाई, मतलब ये चाहता है कि मैं हर चीज कवर कर लूँ। यानी ये पता है, अगर ओवर फिटिंग इधर करनी होती ना तो ऐसे जाता, यूं यूं यूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, मेरे को सारे पॉइंट कवर करने हैं कैसे भी करके। अब एक आधा पॉइंट छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बैलेंस शीट में क्या कर रहा है, वो प्रॉपर बैलेंसिंग करके एक लाइन ड्रॉ कर रहा है यहाँ पर हर जगह। एक ऐसा नहीं है कि भाई कुछ जिगजैग कर्व्स है, ऐसा नहीं है, एकदम प्रॉपर है। यहाँ कुछ छूट भी जा चलता है, यहाँ कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, और इधर तो भाई मैक्सिमम छोड़ दो, ठीक है। ये डायग्राम देख सकते हो, ये एक और अंडर फिट का एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। और यहाँ देख सकते हो कि ये डेटा पॉइंट्स यहाँ पर आ गए, प्रॉपर सेपरेशन ही नहीं हो पाया कैटेगरीज का। बैलेंस शीट में प्रॉपर सेपरेशन है, बट ज़्यादा एरर नहीं है, बहुत कम एरर है। यहाँ देखो ये भाई साहब, इसने अंट शंट चीज़ करी वापस, फिर से हैवी ड्राइवर अपना शो कर दिया इसने, हीरोगिरी मारी ओवर फिटिंग में। तो जो कैसे भी करके इसने सारा डेटा पॉइंट ले ही लिया, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे लोगों की ज़रूरत है इंडिया में, ठीक है। तो ये होता है ओवर फिटिंग, बैलेंस और अंडर फिट। बट एक चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ अब, वो है बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ, जिसके लिए एक दो चीज़ें आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। पहली जो मैंने आपको इस नोट में अभी तक ध्यान लेके गया नहीं हुआ, ठीक है। तो पहली जो आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर आप कभी भी ओवर फिट करते हो, जो अभी मैं आपको, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ, जिसमें ही आपको मैं वो चीज़ बताऊँगा प्रॉपर चीज़ कि क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। अब देखो, अगर अपन वेरिएंस की बात करें, पहले इनको समझ लेते हैं, फिर मैं इसको कनेक्ट करूंगा ओवरफिटिंग के साथ, ठीक है। वेरिएंस क्या चीज़ होती है और बायस क्या होती है। वेरिएंस आप ये समझ सकते हो कि अगर आप टेस्टिंग फेज में हो डेटा के, तो टेस्टिंग फेज में होते हुए जो एरर आता है वो क्या होता है, वेरिएंस, और जो एरर ट्रेनिंग फेज में आता है वो होता है बायस। एक लाइन में पहले दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई, वेरिएंस एरर इन टेस्टिंग फेज, बायस एरर इन ट्रेनिंग फेज। वेरियंस का एरर क्यों आता है, ड्यू टू डिफरेंस इन ट्रेनिंग डेटा सेट, ट्रेनिंग सेट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से एरर आता है वेरियंस का। बायस में क्यों एरर आता है, इट अराइजेस ड्यू टू सिंप्लीफाइंग द एजम्पशन मेड बाय मॉडल। यानी जो मॉडल एजम्पशन कर रहा है, मॉडल की जो एजम्पशन आई है उसको हमने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब आता है आपका दिमाग क्वेश्चन, तो भाई तेरे को किसने बोला था सिंप्लीफाई करने के लिए, अपने घर का राज थोड़ी ना इधर। तो लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई बायस एक्चुअली में क्या करता है कि ये एरर, बायस एरर क्यों आता है, बिकॉज हम क्या करते हैं, एजम्पशन जो मॉडल बना था उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं टू मेक टारगेट फंक्शन ईजियर टू लर्न। यानी जो टारगेट फंक्शन है जिसपे मेरा पूरा मॉडल डिपेंड है, उस वो आसानी से चीज़ों को समझ सके यार, सीख सके। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया भाई, मेरे एजम्पशन जो मॉडल ने बनाई उसको बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया। ये वही गलती है जो लीनियंसी जो अपन दिखाते हैं, ठीक है। यही चीज़ है बायस, यानी ये तब रेज होती है जब आप
जो एजम्पशन मॉडल करता है उसको इतनी सिंपलाइज कर देते हो, और ये क्यों करते हो, टारगेट फंक्शन आसानी से सीख सके इसलिए। और वेरियंस क्यों आता है, जब आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में डिफरेंसेस आ जाते हैं, यानी जो आप टेस्टिंग करते हो उसमें जो एरर आता है वो वेरियंस है। अब ये क्यों आएगा टेस्टिंग में एरर, ये तभी तो आएगा जब आपने ट्रेनिंग करते हुए प्रॉपर डेटा नहीं डाला होगा, तो ये वेरियंस का एरर है। बायस का एरर कब आता है, ये एरर आता है ट्रेनिंग फेज के अंदर। और ये क्यों आता है, जब आप ओवर सिंप्लीफाई कर देते हो टारगेट फंक्शन के लिए लर्न करने के लिए, बस जो भी एजम्पशन मॉडल बना था उसको ओवर सिंप्लीफाई कर देते हो जिससे आपका टारगेट फंक्शन सीख सके, तो वो बायस हो गया। समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पर आगे आता है एक वेरियंस एरर और एक बायस एरर, ठीक है। अब यहां पर कनेक्शन होने वाला है फाइनली ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का। वेरियंस एरर के अंदर क्या हो रहा है, इट इज अराइजेस ड्यू टू ओवरफिटिंग। अब चीज एक सोचो, वेरियंस की जब डेफिनेशन अपन ने पढ़ी तो इंटरेस्टिंग गेल क्या है, समझो। देखो, वेरियंस के अंदर जब आप ट्रेनिंग डेटा सेट्स में डिफरेंसेस कर रहे हो तो जो एरर टेस्टिंग में आ रहा है वो वेरियंस है। तो मतलब जब ट्रेनिंग करते समय मैंने एक्सेसिव फीचर लोड दे दिया है, यानी मैंने इसको ओवरफिट कर दिया है, तो मेरे पास आ गया है वेरियंस एरर। और अगर मैं उसको अंडरफिट कर देता हूं, यानी ट्रेनिंग कराते समय ही मैंने उसको इतने अच्छे ज्यादा फीचर्स नहीं दिए, प्रॉपर फीचर्स नहीं दिए, तो मेरे पास बायस एरर आ जाएगा। सिंपल, इट इज अक्रस ड्यू टू अंडरफिटिंग। तो एक्चुअली में जो ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग आपने पढ़ी उसका रिलेशन इस चीज के साथ था, बायस और वेरियंस ट्रेड ऑफ के साथ। तो अगर ये क्वेश्चन आता है वेरियंस और बायस ट्रेड ऑफ, तो चिपका सकते हो इधर में, ठीक है, ये चीज चिपका सकते हो पूरा डिटेल में, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग भी एक्सप्लेन कर देना इसमें, तो और बढ़िया बड़ा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। वेरियंस एरर में क्या होता है, मॉडल आर ट्रेंड यूजिंग डिफरेंट डेटा सेट। मॉडल जो ट्रेंड होता है उसमें अलग डेटा सेट यूज होता है, ठीक है। क्यों होता है अलग डेटा सेट, क्योंकि अगर सही डेटा सेट यूज कर दिया तो फिर वो बेस्ट फिट बन जाएगा ना, ठीक है। तो वेरियंस एरर में क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर मॉडल जो आया है, जो मेरे को ओवरफिटिंग शो कर रहा है जो मॉडल, तो उसको मैंने प्रॉपरली डेटा या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फीचर दे दिया जिसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग बिगड़ गई। तो यहाँ पर मॉडल इज ट्रेंड यूजिंग डिफरेंट डेटा सेट, और वो मेरे उस आंसर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा जिसके लिए मैं बनाना चाह रहा था। मैंने उसको इतना इतना सिखा दिया कि जो एक्चुअल पर्पज था वो तो गायब ही हो गया। मतलब आपने गोल गोल घूमे बट गोल पूरा नहीं कर पाए, तो ये आपका वेरियंस एरर आ गया। बायस एरर में क्या हो गया भाई, अब अगर बायस एरर क्या आया भाई, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ डेटा सेट की वजह से आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बायस एरर होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन नेचर, जब डेटा सेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो बायस एरर की चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ ज़िंदगी में इसमें ध्यान रखनी है, अगर बायस एरर आता है और अगर आपके किसी भी मॉडल का हाई बायस होता है तो इसका मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड और फास्टर टू लर्न, वो मॉडल फास्ट लर्न कर सकता है और आराम से समझ भी सकता है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना, तो मतलब कभी भी दिमाग में बायस आए ना, बायस तो समझ लेना अंडरफिटिंग की वजह से आया है, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। हमेशा BTU होता है ना, तो B और U, बायस मतलब अंडरफिटिंग और वेरियंस वो बू याद रखो यार, वो बू मतलब वेरियंस किसकी वजह आया, ओवरफिटिंग की वजह से, बायस किसकी वजह से आया, अंडरफिटिंग की वजह से। खत्म खेल, बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ इतना ही है भाई, इतना ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब अपन आ चुके हैं जिसका मैं वेट कर रहा था सदियों से, जो कि है इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग। अरे भगवान, इसके तक आने के लिए कितनी मेहनत पापड़ बेले हैं, वापस आ जाता हूँ 2 मिनट के लिए, आ गया वापस। तो देखो, इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग क्यों आई, कैसे आई, क्या मतलब है इसका, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर दूंगा फटाफट से। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टू लर्न है, आराम से 2 मिनट में अपन इसको निपटा देंगे अभी। सबसे पहले इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग का आने का पर्पज़ क्या था, तो ये समझ सकते हो कि अब अपन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को यूज़ करने वाले हैं, और इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग जो एक्चुअली में है इसका पर्पस, ये है एक्चुअली में एक सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का सब पार्ट है ये इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग। जो आपने याद है, मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है प्रोलॉग वगैरह के ऊपर, आप जाके देखना, AI के ऊपर मैंने कंसेप्ट ऑफ AI पे बहुत प्यारी वीडियोज़ बनाई हुई है, जाके देखना। उस वीडियो के अंदर मैंने प्रोलॉग वगैरह के बारे में बताया, जिसमें मैंने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को प्रॉपरली डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं कह रहा कि अगर वो नहीं देखोगे तो ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, अभी सब समझ में आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक अभी सब समझ में आ जाएगा। तो इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग में जस्ट आपको बता देता हूँ, इट वर्क्स ऑन द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, और
यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे प्रिडिक्शन करना फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को यूज़ करके, समझ गए। तो अब फटाफट से मैं वापस जाता हूँ, इतना ज्ञान काफ़ी है, अब मैं वापस अंधकार की दुनिया में मेरी आत्मा से आप बात करिए, बाय। तो मैं गायब हो गया वापस, और अब इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग को देखते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेज फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक टू रिप्रेजेंट द हाइपोथेसिस एंड डेटा। यानी ये किसको यूज़ करता है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को यूज़ करता है, किस चीज़ के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। अब किसको रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को यूज़ करके, हाइपोथेसिस को और डेटा को। यानी इट यूजेज द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक टू रिप्रेजेंट हाइपोथेसिस एंड डेटा। अब इसका गोल क्या होता है, द गोल ऑफ इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग इज टू इंड्यूस अ हाइपोथेसिस। मैं जिस पार्ट पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ उसको समझो, गोल क्या होता है इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग का, टू इंड्यूस अ हाइपोथेसिस दैट जनरलाइज ट्रेनिंग एग्जाम्पल। मतलब इसका गोल क्या हो गया, कुछ ऐसी हाइपोथेसिस को इंड्यूस करना जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल को क्या कर सके, जनरलाइज कर सके, ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब सेट ऑफ लॉजिकल रूल्स। तो अभी तक अपन को क्या समझ में आया कि भाई इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग पहले फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को यूज़ करती है डेटा और हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसका जो मेजर गोल है वो है जनरलाइज करना किस चीज़ को, ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को, ठीक है। ऐसी हाइपोथेसिस बनाएगी जो जनरलाइज कर देगी ट्रेनिंग एग्जाम्पल को, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की क्या यूज़ क्यों यूज़ किया गया, अब आपका आंसर आपको मिल जाएगा। पहला, इट इज़ एक्सप्रेसिव एंड डिक्लेरेटिव। ये एक्सप्रेसिव भी है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और डिक्लेरेटिव भी है। और तो और, जो आपका इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग है ये किन प्रॉब्लम्स को टारगेट करता है, इट स्पेशली टारगेट्स द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चर डेटा और बैकग्राउंड नॉलेज। यानी किसको टारगेट करता है, उन प्रॉब्लम्स को जिसके अंदर क्या होती है, स्ट्रक्चर डेटा होता है और बैकग्राउंड नॉलेज होती है, बस खत्म खेल। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आपको, बिंदास रहने का पेपर में, और इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग दिमाग में आए, और अगर इंटरव्यूअर भी सामने बैठा हो आपको सीधा एक लाइन बोलनी है, इट इज़ द सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक टू रिप्रेजेंट हाइपोथेसिस डेटा। तो वो क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, अब फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को यूज़ क्यों कर रही है कि भाई क्योंकि ये एक्सप्रेसिव और डिक्लेरेटिव दोनों है, सिंपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका गोल क्या है भाई इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग का, तो इसका गोल क्या है, द गोल ऑफ इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग टू इंड्यूस अ हाइपोथेसिस टू जनरलाइज द ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। मतलब आप जो हाइपोथेसिस को इंड्यूस करोगे वो क्या करेगी, वो ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को जनरलाइज कर देगी, ठीक है। तो वो इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग का काम है। अब आता है कि भाई इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स टारगेट होती है, इसमें वो प्रॉब्लम टारगेट्स होती है जो स्ट्रक्चर डेटा की हो और बैकग्राउंड नॉलेज, इस प्रॉब्लम्स के रिलेटेड पीछे बैकग्राउंड नॉलेज हो, वो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर टारगेट की जाती है। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है गाइस, बिकॉज इसमें कंप्यूटेशन बहुत लगती है, तो ये एक्सपेंसिव है, समझ गए। ये होता है इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग। अब अगर मैं बात करता हूँ भाई यहाँ पर कुछ स्टेप्स है इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग के, तो मैं फटाफट से आपको स्टेप्स बता देता हूँ कैसे काम करता है ये। तो देखो इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग अब अपन ने कहाँ तक देख लिया है, अभी अपन ने यहाँ तक, अब अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कुछ डेटा सेट दिया हुआ है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ये चीज़ होती है। देखो ए इज़ पेरेंट ऑफ बी, ए इज़ पेरेंट ऑफ सी, डी इज़ पेरेंट ऑफ बी, ए इज़ फादर ऑफ बी, ए इज़ फादर ऑफ सी, ऐसे अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यूज़ इंडक्टिव रीजनिंग टू इन्फर द फॉलोइंग रूल्स, कैसे, अब देखो यहाँ रूल क्या दिया हुआ है, एक्स इज फादर ऑफ वाई व्हेन एक्स इज पेरेंट ऑफ वाई एंड एक्स इज मेल। देखो कितने प्यारे तरीके से लिखा जाता है इस चीज़ को, एक्स इज मदर ऑफ वाई इफ एक्स इज पेरेंट ऑफ वाई एंड एक्स इज फीमेल। समझ में आ गया कैसे पढ़ना है इस चीज़ को, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ये चीज़ें वही लिखी हुई है, दीज थिंग्स आर गिवन इन इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग सेट ऑफ स्टार्टिंग व्यू डेफिनेशन और टारगेट प्रेडिकेट। ये तो चीज़ आपको दी हुई होगी, तभी तो आप उस तक पहुंचने का रास्ता निकालोगे इनको यूज़ करके। ये समझ सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता देती है, बता चुका हूँ ये। अब आ चुके हैं अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडक्टिव लर्निंग वर्क्स, कैसे ये चीज़ वर्क करती है। तो पहला, वी आर गिवन इनपुट सैंपल्स एक्स, हमें इनपुट सैंपल दिए जाते हैं एक्स, और हमें आउटपुट सिंबल दिया जाता है एफ एक्स, ठीक है, जो कि हमारा पर्सपेक्टिव रहेगा इंडक्टिव लर्निंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हमें इंडक्टिव लर्निंग के पर्सपेक्टिव से हमें आउटपुट सिंबल एफ एक्स भी डिवाइन कर दिया जाता है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है भाई, सारा पूरा मशीन लर्निंग फंक्शन को उस फंक्शन के बारे में प्रिडिक्ट करना, उस फंक्शन को एस्टिमेट करना है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, टू एस्टिमेट द फंक्शन। यानी अभी तक स्टेप्स क्या है कि आपके पास इनपुट सैंपल्स दे दिया एक्स और आउटपुट सिंबल आपको दे दिया एफ एक्स, ठीक है,
और अपना प्रॉब्लम क्या है, एस्टिमेट करना उस फंक्शन को. तो अब इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग क्या करेगी, इट विल नाउ जनरलाइज फ्रॉम सैम्पल एंड परफॉर्म द कंसेप्ट मैपिंग. क्या करेगी, जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बोला था, ये क्या करती है, इट विल इंड्यूस अ हाइपोथेसिस दैट विल जनरलाइज द ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पर भी अब वही चीज़ करेगी, नाउ इट विल जनरलाइज फ्रॉम सैम्पल्स, बिकॉज जो अब यहाँ से भी हमारे पास इनपुट सैम्पल है उसको यूज करके क्या करेगी, वो जनरलाइज करेगी और कंसेप्ट मैपिंग लगाएगी, कंसेप्ट मैपिंग लगाएगी, सो डैट इट कैन बी यूज, सो डैट इट कैन बी यूज इन फ्यूचर. ये क्या मैंने दो दो बार लिख दिया, सॉरी गाइज, सो डैट इट कैन बी यूज इन फ्यूचर टू एस्टिमेट आउटपुट फॉर न्यू सैम्पल. ठीक है, मतलब ये क्यों जनरलाइज कर रही है उस पर्टिकुलर सैंपल को लेके, ठीक है, उस सैंपल को यूज़ करके कंसेप्ट मैपिंग लगा रही है, जनरलाइज कर रही है, ये चीज़ क्यों कर रही है, जैसे अगर फ्यूचर में कभी मैं इसको टेस्ट डेटा दूँ तो उसका आउटपुट आराम से ये एस्टिमेट करके मेरे को दे दे. ठीक है, इसीलिए ये काम करता है. तो इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग वर्क किस तरीके से करती है, सबसे पहला स्टेप क्या है आपको याद रखना है, वी आर गिविंग इनपुट सैंपल, इनपुट सैंपल्स आपको दे दिया, फिर आउटपुट सिंबल एफएक्स दे दिया. ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम क्या है, ये फंक्शन आपको निकालना है, एफएक्स आपको निकालना है, तो फंक्शन आपको एस्टिमेट करना है. अब आप क्या करोगे, नाउ वी विल जनरलाइज फ्रॉम सैंपल, सैंपल को इसका हम जनरलाइज करेंगे और परफॉर्म क्या करेंगे, कंसेप्ट मैपिंग परफॉर्म करेंगे. और ये क्यों करेंगे, और इसीलिए करेंगे जैसे फ्यूचर में अगर कोई मैं नया सैंपल दूँ तो उसका आउटपुट क्या कर सके, वो प्रिडिक्ट कर सके. तो सिंपल स्टेप से कहानी की तरह समझो, समझ में आ जाएंगे. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ. तो अब एप्लीकेशन क्या है इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग की, ये वहाँ वहाँ लगेगी गाइस. देखो स्टोरी की तरह लेके चलते हैं, स्टोरी की तरह लेके चलते हैं. अभी तक अपन ने क्या देखा कि भाई इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग है, ये सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग है जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को यूज़ करके हाइपोथेसिस और डेटा को मतलब रिप्रेजेंट करती है. गोल क्या है भाई, कि ये हाइपोथेसिस को यूज़ करेगी और जनरलाइज कर देगी ट्रेनिंग एग्जाम्पल को. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज वो एक्सप्रेसिव और डिक्लेरेटिव है. ये टारगेट करती है स्ट्रक्चर डेटा और बैकग्राउंड नॉलेज को. डिसएडवांटेजेस क्या, वेरी कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव है. ठीक है, फिर अपन ने इसके कुछ प्रोसेस को देखा. अभी पहले अपन इनपुट सैंपल्स गिवन है, हमें इनपुट सैंपल लेने पड़ेंगे. फिर हमें एक एफएक्स अपना फंक्शन है जो कि एक क्या है, प्रस्पेक्टिव है, मतलब एक फ्रॉम द प्रस्पेक्टिव ऑफ इंडक्टिव लर्निंग अपन क्या मानते हैं कि एफएक्स करके फंक्शन मान लिया अपन ने. हमारा काम क्या, फंक्शन को एस्टिमेट करना. तो वो कैसे करेंगे कि हम पहले इनपुट सैंपल्स को जनरलाइज कर देंगे. इस इनपुट सैंपल को जनरलाइज करने के बाद हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कंसेप्ट मैपिंग लगाएंगे. कंसेप्ट मैपिंग लगाने के बाद ये क्यों लगा रहे हैं, जैसे अगर फ्यूचर में कभी इसको सैंपल डेटा दिया जाए तो उसका आउटपुट आराम से ये एस्टिमेट करके मेरे को दे दे. सिंपल स्टेप. या अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे एप्लीकेशन क्या है भाई इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग की. तो सबसे तगड़ी एप्लीकेशन क्या है, विच ये उन एप्लीकेशंस में काम आती है जहाँ पर ह्यूमन एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एप्लीकेशन विच डू नॉट रिक्वायर ह्यूमन एक्सपर्टाइज. ठीक है, ये बेसिकली उस जगह पे भी काम आती है जिसमें ह्यूमन काम पूरा कर सकता है बट उसको पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है, मतलब दो अपन ने एप्लीकेशन देखी बट बहुत ज़्यादा वियर्ड एप्लीकेशन है इसकी. पहली, एप्लीकेशन विच डू नॉट रिक्वायर ह्यूमन एक्सपर्टीज. सेकेंड, ह्यूमंस कैन कंप्लीट द टास्क बट नो वन नोज हाउ टू डू इट. वो टास्क भी करके दे देगी जिसको ह्यूमन कर सकते हैं बट उनको पता नहीं है कैसे करना है. कंसेप्चुअल लर्निंग में ये चीज़ काम आती है. और एक चीज़ बता देता हूँ, इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग पे आप पूरा एक चैटबॉट भी डिज़ाइन कर सकते हो. ठीक है, इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग आप ये समझ सकते हो कि दोनों पैटर्न रिकॉग्निशन और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स पे भी लग सकती है. और तो और ये उन जगहों पे भी लगेगी जहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी फेल हो जाती है. ठीक है, जैसे स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जहाँ पर आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच फेल हो जाती है वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. ये वहाँ पर भी लगेगी, उन प्रॉब्लम्स में भी लगेगी जिसके अंदर जो फंक्शन बार बार चेंज होता है, जिसका फंक्शन बार बार चेंज होता है. ये उन प्रॉब्लम में भी लगेगी जहाँ पर हर यूज़र के लिए हमें यूनिक फंक्शन देना पड़ता है. समझ गए, यानी पहला ये उन एप्लीकेशन में लगेगी जिसमें ह्यूमन एक्सपर्टीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ये उन एप्लीकेशन में लगेगी जिसको ह्यूमन तो पूरा कर सकते हैं बट उनको पता नहीं है कैसे करना है. कंसेप्शन लर्निंग में भी ये चीज़ लगती है. ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में लगेगी जिसको आपको क्लासिफिकेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम्स होगी. ये उन जगहों पे लगेगी जहाँ पर आपका फंक्शन रिपीटेडली चेंज होता रहेगा. और तो और ये उन जगहों पे भी लगेगी जहाँ आपका ट्रेडिशनल मेथड्स फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी. और तो और ये उन जगहों पे भी लगेगी जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल यूज़र का इंडिविजुअल यूज़र फंक्शन, यूनिक फंक्शन आपको निकालना हो. तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हो गई. ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन हो गई. तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट सागा पे, जो कि है डिसीजन ट्री सागा. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसीजन ट्री पे आ जाते हैं वापस. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स हैं इंडक्टिव लर्निंग के, तो ये एक बार फटाफट से देख लेते हैं और इसमें मैं भी आऊँगा भाई. तो यहाँ पर मैं वापस प्रकट होता हूँ नर्क से, और ये मैंने गलत बोल दिया वैसे. ठीक है, तो क्या दिक्कत है.
तो देखो यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव इंडक्शन लर्निंग। पहला क्रेडिट कार्ड रिस्क मैनेजमेंट। तो जैसे सपोज एक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कस्टमर एंड एफ एक्स इज द क्रेडिट अप्रूव्ड और नॉट। समझ गए? डिजीज डायग्नोज में एक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेशेंट एंड एफ एक्स इज द पेशेंट डिजीज। भाई मैंने क्या बोला था, इनपुट सैंपल को लेके जनरलाइज करेगा और कंसेप्ट मैपिंग लगाएगा, वही चीज़ चलेगी। ठीक है, एफ एक्स को प्रेडिक्ट करना है हमें। फेस रिकॉग्निशन में कैसे काम आ सकता है ये, इफ एक्स इज द बिट मैप्स ऑफ द फेस टू रिकॉग्नाइज। जिन लोगों को नहीं पता बिट मैप्स क्या चीज़ है, तो ये फेस रिकॉग्निशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एफ एक्स इज नेम असाइन टू डेट फेस। ऑटोमेटिक स्टेयरिंग में एफ एक्स इज द बिट मैप्स ऑफ कैमरा इन द फ्रंट ऑफ कार, एफ एक्स इज द डिग्री टू विच स्टेयरिंग व्हील शुड बी टर्न। मतलब आप इसको यूज करके उन सब जगहों पर लगा सकते हो जहाँ पर ह्यूमन एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है। रोज गाड़ी चलाते हो वहाँ लगा सकते हो। ठीक है, आप डिसाइड करते हो ना कि भाई मेरा गेट अपना खुलना चाहिए बंद होना चाहिए, उधर लगा सकते हो। तो ये इन आपका माइंड खुला रखो। इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग टूल अपन सीख रहे हैं जिसको अपन उन जगहों पे लगा सकते हैं जहाँ हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फेल होती है स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। ये उन जगहों पे लग सकते हैं जहाँ पर ह्यूमन की एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, और ये उन जगहों पे भी लग सकती है इसका फंक्शन रेगुलरली चेंज होता है। और अगर हर इंडिविजुअल के लिए आपको यूनिक फंक्शन निकालना है तो वहाँ पर भी ये चीज़ लगती है। क्लासिफिकेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम में ये चीज़ लगती है, जो कि इसके लिए बहुत बड़ा डोमेन खोल देता है गाइस लगने के लिए। तो आई थिंक आप ये चीज़ समझ गए होंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग की, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ प्रॉपर तरीके से। अब आ जाते हैं नोटेशन इज इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग। तो नोटेशन वही नोटेशन, सबसे पहले इसको आप क्या बोलते हो, एंड बोलते हो, और जो टेक्निकल नाम है वो है कंजक्शन। ये अपन देख चुके हैं ऑलरेडी पहले वाली वीडियोस में, जो एपिसोड 2 में अपन ने नॉर्मल CNF DNF किया था उसमें अपन काफ़ी चीज़ देख चुके हैं। डिसजंक्शन अपन देख चुके हैं, इम्प्लीकेशन अपन देख चुके हैं, इफ़ एंड ओनली इफ मैं आपको बता चुका हूँ, नेगेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। टेक्निकल नेम थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं तो वो देख सकते हैं। एंड का टेक्निकल नेम कंजक्शन है, और का डिसजंक्शन है जो कि अपन लगाते हैं, इम्प्लाइज का इम्प्लीकेशन है, इसका इफ एंड ओनली इफ है, और ये नेगेशन है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ को अपन बाई कंडीशनल बोलते हैं और नॉट को अपन नेगेशन बोलते हैं। नेगेशन मतलब नेगेटिव, कंजक्शन मतलब बीच में कंजक्शन कैसे लिखते हैं, जैसे देखो अ सेंटेंस विच इज कनेक्टिव विच इज दैट कनेक्टिव, जो कि कंजक्शन कनेक्टिव दिया हुआ है मेरे को, और इसको अपन एंड कनेक्टिव भी बोल सकते हैं। सच एज पी एंड क्यू इज कॉल्ड कंजक्शन, जो कि अपन को पता है पी रोहन इज इंटेलिजेंट, क्यू रोहन इज हार्ड। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे भाई, कंजक्शन लगाना है एंड लगाना है, तो यानी रोहन इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग अपन कैसे लिखेंगे, पी कंजक्शन क्यू। देखो सिंपल सा यहाँ पर लिख दिया अपन ने, बहुत ईजी खेल है। डिसजंक्शन में क्या है भाई, और है, और की कंडीशन है, रितिका इज अ डॉक्टर और इंजीनियर, तो ये अपन ने लिख दिया। अब इसकी दो स्टेटमेंट्स क्या बन गई, पी रितिका इज अ डॉक्टर, रितिका इज एन इंजीनियर। तो भी दोनों के बीच में अगर अपन लगा देते हैं डिसजंक्शन, तो इट इज़ अ आइदर रितिका आइदर नहीं सॉरी रितिका इज अ डॉक्टर और इंजीनियर। इम्प्लीकेशन अपन कब लगाते हैं, इम्प्लीकेशन या यूज वैन इफ एंड देन रूल्स, अगर ये होगा इफ ये देन ये कर लो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज रेनिंग स्ट्रीट इज वेट, यानी If it is raining, then street is wet. समझ गए? By conditional, if and only if का खेल है यहाँ पर। Sentence जो if and only if वाले होते हैं वो by conditional sentence हो गए। I am breathing, then I am alive. ठीक है, if and only, अगर मैं breathe कर रहा हूँ तभी तो जिंदा हूँ भाई, तो ये यहाँ पर आ गया। I am breathing, I am alive. तो if I am breathing, then I am alive. ठीक है, अब आता है डिसीजन ट्री इंडक्शन, यानी डिसीजन, या एक्चुअली मैं इस टॉपिक में मैंने क्या किया है, डिसीजन ट्री इंडक्शन मैंने इसीलिए लिखा है कि डिसीजन ट्री को बनाते कैसे हैं वो एक तो इसमें लिखा हुआ, एक्सप्लेन करा हुआ है, और डिसीजन ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अगर अपन एक्सेल नोट्स पे जाते हैं तो यहाँ आपको वही चीज़ दिखेगी। तो यानी डिसीजन ट्री आपको किस चीज़ के लिए काम आता है, इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन मेथड और रिग्रेशन मेथड्स, इट इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, द अपर मोस्ट डिसीजन ट्री इज रिलेटेड टू द बेस्ट प्रिडिक्टर विच इज कॉल्ड एज रूट नोड, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डिसीजन ट्री की सबसे टॉप मोस्ट नोड होते हैं जिसके ऊपर पूरा डिसीजन ट्री जहाँ से स्टार्ट होता है वो आपका रूट नोड होता है। ठीक है, डिसीजन ट्री डील्स विद बोथ कैटेगोरियल एंड न्यूमेरिकल डेटा सेट, ये हमें पता है। इट क्रिएट्स क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन मॉडल्स एज ट्री स्ट्रक्चर, ये हमें पता है। सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर्स इनटू स्मॉलर सबसेट्स एट द सेम टाइम, जब अपन डिसीजन ट्री में आगे 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 के ब्रांचेस में जाते रहते हैं तो बड़ा डेटा सेट जो अपना एस है ना वो छोटा होता जाता है। ठीक है, डिसीजन ट्री हैज एटलीस्ट टू नोड्स और हेड नोड शोज क्लासिफिकेशन एंड डिसीजन। समझ गए, ये खेल हो गया। तो ये डिसीजन ट्री का बेसिक आपका खेल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिसीजन ट्री का बेसिक। तो अब दो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेशन गेन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और एक एंट्रोपी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को एक बार फटाफट देखते हैं। मैं वापस नर्क की आवाज़ में जाता हूँ, बाय। तो मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ नर्क की आवाज़ में, और मेरी आवाज़ तो आप तक आ ही रही होगी। तो इन्फॉर्मेशन गेन क्या चीज़ है, रेफर्स टू द, इससे पहले हम एंट्रोपी पढ़ते हैं, चल फटाफट चल। तो एंट्रोपी में क्या देखते हैं गाइज,
अपन एंट्रोपी में क्या देखते हैं, इट इज द कॉमन वे टू मेजर इम्प्योरिटी. एंट्रोपी यार अपन ने थर्मोडाइनेमिक्स में भी पढ़ी थी, हर जगह एंट्रोपी आई थी, रैंडमनेस जो अपन पढ़ते थे हमेशा, वही चीज़ यहाँ पर है. यहाँ पर भी इसका मीनिंग वही है, बट यहाँ पर केमिकल वेमिकल कुछ भी नहीं है, ना नेचर के लॉज हैं. यहाँ पर क्या चीज़ है, इट इज़ द कॉमन वे टू मेजर इम्प्योरिटी इज एंट्रोपी. इट मेजर्स द रैंडमनेस इन द डेटा सेट. एक डेटा सेट में कितना ज़्यादा रैंडमनेस है वो कौन मेजर करता है, एंट्रोपी मेजर करता है. तो पहला इट इज़ द कॉमन वे टू मेजर इम्प्योरिटी, और दूसरा इट मेजर्स द रैंडमनेस इन द डेटा सेट. अब बात आती है इन्फॉर्मेशन गेन. तो ये मान सकते हो जस्ट उल्टा नाम है, ठीक है, एंट्रोपी का. यानी इट रेफर्स टू द डिक्लाइन इन एंट्रोपी आफ्टर स्प्लिट इन डेटा सेट. यानी जब अपन नोड्स को यूज करके डेटा सेट को ब्रांचेस पे बनाने के बाद डिसीजन ट्री में स्प्लिट करते हैं आगे, तो स्प्लिट करने के बाद जो एंट्रोपी में डिक्लिनेशन आता है उसका जो भी मेजर है वो इन्फॉर्मेशन गेन है. एंट्रोपी इन्फॉर्मेशन, यार देखो एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस बहुत ज्यादा आ गया. इन्फॉर्मेशन गेन यानी उसके अंदर रैंडमनेस एक्चुअली में कम हो रही है, यानी डेटा सेट को स्प्लिट करने के बाद उसमें रैंडमनेस का कम होना, ये तो अच्छी चीज़ है. यानी जिसमें अपनी इन्फॉर्मेशन गेन हाई होगी तो अपना फायदा है उस डेटा सेट में, वो अच्छा डेटा सेट होगा. तो आप ये समझ सकते हो कि एंट्रोपी मतलब जो डेटा सेट में रैंडमनेस है और डिस्टर्बेंसेज जो नॉइज है, और इन्फॉर्मेशन गेन को ये समझ सकते हो कि जस्ट जब एंट्रोपी जितना रिडक्शन हो रहा है, यानी इट रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ एंट्रोपी आफ्टर स्प्लिट इन डेटा सेट. एंट्रोपी इस रिडक्शन भी इसका दूसरा नाम है, यानी डिस्टर्बेंसेस का और रैंडमनेस का कम होना आपका इन्फॉर्मेशन गेन है. एंट्रोपी मतलब डिस्टर्बेंसेस वगैरह का होना डेटा सेट में, वो एंट्रोपी है. समझ गए, मतलब इम्प्योरिटीज मतलब एंट्रोपी, नॉइज एंट्रोपी, बट परफेक्शन आना वो तब आएगा जब आपका इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा होगा और एंट्रोपी कम होगी. समझ गए, तो आई थिंक दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए. एडवांटेजेस अब देख लेते हैं डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के. इट डज नॉट नीड द स्केलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन. पहला एडवांटेज क्या है कि आपको स्केलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कुछ ज़्यादा भारी भरकम कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है. दूसरा, इट इज़ ऑटोमेटेड एंड सिंपल टू एक्सप्लेन टू टेक्निकल टीम और स्टेक होल्डर्स. जब आप एक फ्लो चार्ट फॉर्म में किसी भी टेक्निकल टीम के पास जाते हो, स्टेक होल्डर्स के पास जाते हो, तो आप उनको आसानी से ये चीज़ समझा सकते हो डिसीजन ट्री के माध्यम से कैसे मॉडल वर्कआउट करेगा, वो डिसीजन ट्री आसानी से समझा सकता है. जो डेटा में अगर कभी आपकी मिसिंग वैल्यूज भी आ जाती है तो उससे भी जो आपका ट्री बनता है, जो चॉइस ऑफ ट्री आप बनाते हो, वो डिस्टर्ब नहीं होती. मिसिंग वैल्यूज के टाइम में भी आप डिसीजन ट्री का अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो. जैसे वहाँ पर अपन ने KNN क्लासिफिकेशन का यूज़ किया था, वैसे यहाँ पर भी मिसिंग वैल्यूज़ का कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता. इट नीड लेस एक्सट्रैक्शन फॉर डेटा प्रिपरेशन एंड यूजिंग प्री प्रोसेसिंग. इसको इतना ज़्यादा डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फॉर डेटा प्री प्रोसेसिंग और प्रिपरेशन. इट डू नॉट रिक्वायर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा का इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. ये नॉर्मल डेटा पे वर्क कर लेगा, इसको स्टैंडर्डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है. फटाफट से एक बार वापस देखते हैं एडवांटेजेस क्या आते हैं. पहला, हमें स्केल ऑफ इन्फॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पर ये टेक्निकल टीम और स्टेक होल्डर को आप आराम से समझा सकते हो, और अगर डेटा में कभी मिसिंग वैल्यूज एक आधी आ भी जाती है तो ये इतना ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस नहीं करती इसकी मॉडल बिल्डिंग को. और तो और, ये डेटा एक्सट्रैक्ट ये क्या करता है, इसमें डाटा ज़्यादा नहीं चाहिए प्री प्रोसेसिंग के समय, ठीक है. डेटा प्रिपरेशन के लिए इट नीड लेस एक्सट्रैक्शन फॉर डेटा प्रिपरेशन यूजिंग प्री प्रोसेसिंग. यानी इसको इतना ज़्यादा कंप्यूटर रिसोर्सेज भी नहीं रिक्वायरमेंट होते जब वो लिमिटेड वैल्यूज होती है. इट डू नॉट रिक्वायर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा. इट डू नॉट रिक्वायर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा. समझ गए, ये है एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन ट्री एल्गोरिथम. अब अपन आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि है रिकर्सिव प्रोग्रामिंग. अब देखो रिकर्सिव प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है. रिकर्सिव प्रोग्रामिंग मतलब आप ये मान सकते हो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फंक्शन खुद को ही बुलाता है, द फंक्शन कॉल इटसेल्फ, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इसका मेन एग्जांपल आपका फैक्टोरियल वाला कोड है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है. इसमें क्या हो रहा है, ये देखो फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ये रिकर्सिव प्रोग्रामिंग है. लेकिन मजेदार बात पता है, लोगों को कन्फ्यूजन इस चीज़ में नहीं है रिकर्सिव प्रोग्रामिंग में, लोगों को कन्फ्यूजिंग है कि भाई रिकर्जन और इटरेशन में क्या डिफरेंस है एक्चुअली में. तो वही अपना यहाँ पर लास्ट टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं रिकर्जन और इटरेशन के बारे में. तो रिकर्जन क्या चीज़ है, इटरेशन क्या चीज़ है, फटाफट से देखते हैं. अब मैं इटरेशन के लिए एग्जाम्पल के लिए लूप कंसिडर करके चल रहा हूँ, और रिकर्जन जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया ही था फैक्टोरियल वाला, रिकर्जन अपने आप में चीज़ है, लूप अपने आप में एक चीज़ है. बट लूप में इटरेटिव एक्टिविटीज को फॉलो किया जाता है, इसलिए लूप को लोग इटरेटिव चीज़ इटरेटिव ब्लॉक भी बोलते हैं कोड का. तो यहाँ पर रिकर्शन में हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन इन अ फंक्शन. दोनों तरफ एक एक करके देखेंगे, इट इज़ द मेथड ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन विद इन अ सेम फंक्शन. उसी फंक्शन में उसी फंक्शन को बुला देना इज अ रिकर्शन. फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज अ रिकर्शन बेसिकली. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इटरेशन इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर डेट अलाउ एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली विद इन दैट प्रोग्राम.
जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए वो अपने आप ही क्या होता रहेगा, ब्लॉक ऑफ कोड अपने आप को रिपीट करता रहेगा, ये इटरेशन है। यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है एक प्रोग्राम में। ये एग्जीक्यूशन बहुत स्लो होता है, इसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। इटरेशन एग्जीक्यूटिव बहुत फास्ट करेगा, रिकर्शन स्लो करेगा। यहाँ स्टैक को यूज़ किया जाता है लोकल वेरिएबल की तरह, ठीक है। लोकल वेरिएबल को स्टोर करने के लिए जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए स्टैक का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर कोई स्टैक का यूज़ नहीं किया जाता। इफ़ नो टर्मिनेशन कंडीशन देन इनफाइनाइट रिकर्शन जा सकता है, इफ कंडीशन अगर फॉल्स नहीं होती है तो इनफाइनाइट लूप जा सकता है। ये मोर रीडेबल है, ये लेस रीडेबल है। यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है, यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लो होती है। अब वापस उल्टे देखते हैं डिफरेंस, इसको नीचे से ऊपर तक जाएंगे भाई। रिकर्जन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है, इटरेशन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लो होती है। ये मोर रीडेबल होता है रिकर्जन, इटरेशन लेस रीडेबल होता है। यहाँ पर कोई टर्मिनेशन कंडीशन नहीं दी जाती तो इनफाइनाइट रिकर्जन चला जाता है। यहाँ पर अगर कभी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो इनफाइनाइट लूप चला जाता है। एग्जीक्यूशन यहाँ पर क्या होता है, स्लो होता है, यहाँ एग्जीक्यूशन क्या होता है, फास्ट होता है। यहाँ पर फंक्शन फंक्शन में बुलाया जाता है, यहाँ पर एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ये क्या अपने आप कोई फंक्शन प्रोग्राम में बुलाता जा रहा है। समझ गए ना खेल क्या है, पहला फंक्शन को फंक्शन में बुला रहे हैं, यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली रिपीट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में। यहाँ एग्जीक्यूशन बहुत स्लो हो रहा है, यहाँ पर फास्ट हो रहा है। यहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है। ये मोर रीडेबल है, ये थोड़ा लेस रीडेबल है, ठीक है। यहाँ पर कोई टर्मिनेशन कंडीशन नहीं होती तो इनफाइनाइट रिकर्शन में चला जाता है, यहाँ अगर टर्मिनेशन कंडीशन होती है या मतलब अगर कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होती तो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। रिकर्शन में हम स्टैक का यूज़ करते हैं टू स्टोर द लोकल वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, इटरेशन में अपन नो स्टैक इज यूज्ड। तो समझ गए होगे डिफरेंस दोनों के बीच में। तो अब टाइम आ चुका है मेरे आने का, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आप लोगों के सामने वापस। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मज़ा आया होगा। हम इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग अब कंप्लीट कर चुके हैं, अब फाइनल प्रोग्रामिंग हम कंप्यूटेशनल थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इस सीरीज़ का। तो आई आपके साथ बहुत मज़ा आया गाइज, एपिसोड 4 तक हमें बहुत फन आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए। काफ़ी चीज़ें आप लोगों से सीखने को मिली, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो फीडबैक देना मत भूलना कमेंट में। और तो और इसके जो नोट्स है और बुक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आराम से जाइए उसको देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें। बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इस चीज़ कॉन्सेप्ट को समझने में ध्यान दीजिए, मशीन लर्निंग के बून को एंजॉय करते रहिए। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही अगले एपिसोड में, क्योंकि बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पर देरी नहीं लगाते चीज़ में, बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। टिल देन दिस इज हर्षवर्धन, यू आर ऑलवेज बींग सच अ वंडरफुल ऑडियंस गाइज, दिस इज हर्षवर्धन एंड यू आर ऑसम, शाइनिंग ऑफ।